अब हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज फंक्शंस इन पाइथन। देखिए, जब भी हम किसी ब्लॉक ऑफ कोड बनाते हैं तो हम उसको बोलते हैं फंक्शन, और उस ब्लॉक ऑफ कोड को हम एक नाम दे देते हैं। ठीक है, ये ब्लॉक ऑफ कोड सिर्फ तभी कॉल होता है जब हम इसको एक्सटर्नली कॉल करते हैं, अदरवाइज वो कोड है वो एग्जीक्यूट नहीं होता। तो हमेशा याद रखिए, जब भी आप कोई बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं तो हमें उसमें फंक्शंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। कई बार हमें अपने कोड को मॉड्यूल्स में तोड़ना पड़ता है, एक ही कोड को कई मॉड्यूल्स यूज़ करते हैं, तब उनको फंक्शंस बना देते हैं और डिफरेंट मॉड्यूल उन फंक्शंस को यूज़ करके अपना काम को कर लेते हैं, तो इसलिए हमें फंक्शंस की ज़रूरत होती है। देखिए, तो सबसे पहले एक सिंपल फंक्शन बनाते हैं, और फंक्शन बनाने के लिए हमें कीवर्ड यूज़ करना होता है डेफ। डेफ का आप मीनिंग समझ सकते हैं काइंड ऑफ डिफाइन। ठीक है, उसके बाद हमें फंक्शन का नाम देना होता है। मैं नाम देता हूँ माई फंक्शन, ओके, और इसमें एक प्रिंट स्टेटमेंट डाल देता हूँ, प्रिंट से हेलो पाइथन। ये हेलो पाइथन। अभी जब मैं इस प्रोग्राम को अगर मैं रन करने की कोशिश करूँ, देखता हूँ आउटपुट क्या आता है, तब आउटपुट में देखेंगे कुछ भी नहीं आया। वो क्यों नहीं आया? जैसा कि मैंने बताया था, जब तक हम इस फंक्शन को कॉल नहीं करेंगे ये प्रिंट पाइथन वाला जो स्टेटमेंट है ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो हमें इस फंक्शन को कॉल करना होगा। कॉल कैसे करते हैं? माई फंक्शन, और सिंपली इस तरीके से हम इसको कॉल कर सकते हैं। अब जब हम इसको रन करेंगे तो हमारा आउटपुट आता है हेलो पाइथन। ठीक है, ये एक सैम्पल फंक्शन था। अभी ये फंक्शन, कोई भी जो फंक्शन होते हैं पाइथन में, वो वैल्यूज़ को रिटर्न भी कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते। अब देखिए, हाँ, पहले आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं। अगर मेरा एक फंक्शन है, मैं एक फंक्शन बनाता हूँ से शो ग्रीटिंग, ओके, और इसमें मैं पास कराता हूँ नेम, इसको बोलते हैं आर्ग्यूमेंट्स। किसी भी फंक्शन में हम इस तरीके से जो ये पैरामीटर्स पास करते हैं उनको बोलते हैं आर्ग्यूमेंट्स। तो हम इसको यूज़ कैसे करते हैं, हमें सिंपल लिखना होगा प्रिंट, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हेलो एंड प्लस करके, मैं कॉन्कनेट करके लिख देता हूँ उसका नेम। अब यहाँ पे क्या होगा, हेलो प्रिंट होगा और जो हम नेम पास करेंगे वो प्रिंट होगा। अब इस माई फंक्शन को मैं कॉल नहीं करता, अब मैं कॉल करता हूँ सो ग्रीटिंग में, और नेम में पास कर देता हूँ मैं अपना आदित्य। जब इसको मैं रन करूँगा तो आउटपुट देखिए क्या आता है, हेलो आदित्य। यहाँ पर क्या हुआ, जो मैंने ये आर्ग्यूमेंट आदित्य पास किया था वो इस में आया, और यहाँ पर जाके वो इस हेलो स्ट्रिंग के साथ कॉन्कनेट हो गया। अब देखिए इसका यूज़ कितना ज़्यादा हो जाता है आर्ग्यूमेंटेड, जो भी आर्ग्यूमेंट करके हम फंक्शन बनाते हैं। इसमें देखिए, अब मैं शो के अंदर मैं यहाँ पर कोई और भी नेम पास कर सकता हूँ, से मैं यहाँ पर नीरज पास करता हूँ, तो अभी दोनों के लिए रन होगा, पहले आदित्य के लिए फिर नीरज के लिए। अब सिर्फ मैं आर्ग्यूमेंट बदल के डिफरेंट डिफरेंट ग्रीटिंग्स यहाँ पे प्रिंट कर सकता हूँ। तो ये तो हो गए सिंपल फंक्शन, और जिसमें आर्ग्यूमेंट भी पास किया गया है। अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, ये जो प्रिंट है ये यहाँ पर ये सीधा मैसेज ही कंसोल में प्रिंट कर रहा है, हम इस फंक्शन से कोई भी वैल्यू को रिटर्न नहीं कर रहे। सपोज़ कीजिए कि मैं इसको प्रिंट नहीं करना चाहता, मैं यहाँ से एक वैल्यू रिटर्न करना चाहता हूँ, मैं लिखता हूँ रिटर्न, और इस ये जो स्ट्रिंग बन गई हेलो और कॉन्क्रीट करके नेम लिखा है, इसको मैं रिटर्न कर देता हूँ। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, अब जैसे मैं इसको रिटर्न कर रहा हूँ तो मुझे लिखना होगा प्रिंट, क्योंकि इसको प्रिंट तो करना होगा जो भी स्ट्रिंग आ रही है ना। मैं इसको हटा देता हूँ लास्ट लाइन को, और जब हम इसको रन करते हैं तो भी आउटपुट सेम ही आता है हेलो आदित्य। अब मैं आपको बताना क्या चाह रहा था यहाँ पर, अब मुझे ये देखना है कि इसमें से क्या टाइप आया है इसका। अगर मुझे किसी भी चीज़ का टाइप देखना होता है तो मैं क्या एक मेथड लगाता था विच इज़ टाइप, मैं यहाँ पे इस मेथड से मुझे किस टाइप की वैल्यू रिटर्न हो रही है वो मैं इस तरीके से देख सकता हूँ। तो देखिए मुझे क्लास स्ट्रिंग, ये बिल्कुल सही है, मैंने इसको स्ट्रिंग किया है। लेकिन आप ये बताइए, ये जो ऊपर वाला फंक्शन है माई फंक्शन, इससे मैं कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा, तो यहाँ से क्या रिटर्न हो रहा होगा? बेसिकली अगर आपको ये प्रूफ करके देखना है, तो जो भी फंक्शन होता है वो कुछ ना कुछ रिटर्न करता है। जब आप कुछ भी रिटर्न नहीं करते तो बाई डिफ़ॉल्ट वो नन रिटर्न करता है। देखिए मैं इसको प्रूफ करता हूँ, अब मैं यहाँ पे माई फंक्शन को कॉल करता हूँ, और इस ग्रीटिंग इस आर्ग्यूमेंट को हटा देता हूँ क्योंकि इसमें नहीं है कुछ भी, और जब मैं इसको रन करूँगा
तो देखिए यहाँ पे क्या आता है, क्लास नन टाइप, उसने हेलो पाइथन प्रिंट किया लेकिन रिटर्न क्या किया है, नन टाइप। मीन्स जो भी आप फंक्शन बनाते हो, अगर कोई आपसे पूछता है आपने कुछ भी रिटर्न नहीं किया तो क्या होगा, ऐसा नहीं है कुछ भी नहीं, वो रिटर्न करता है विच इज़ टाइप नन। अगर आप इसको यहाँ से टाइप को भी हटा देते हैं तो आप देखिए इसको अगर हम प्रिंट करने की कोशिश करते हैं तो क्या आता है, नन, ये नन रिटर्न कर रहा है हमें, ठीक है। तो नन टाइप जो क्लास है वो उसकी वैल्यू को रिटर्न करता है। अब डिस्कस करते हैं व्हाट इज डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट इन फंक्शंस। तो इसके लिए सबसे पहले मैं एक मेथड बना लेती इसी फंक्शन बना लेता हूँ, और इस फंक्शन में नाम देता हूँ मैं शो मैसेज, ठीक है। इस शो मैसेज में मेरा पहला जो आर्ग्यूमेंट रहेगा वो रहेगा फर्स्ट नेम, और जो दूसरा रहेगा उसको मैं नाम देता हूँ से लास्ट नेम। आप कॉमा करके जितने भी आर्ग्यूमेंट चाहें किसी भी फंक्शन में जितने चाहें आप उतने ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे दो ऐड करता हूँ, और इसके बाद मैं कोलन लगा के एक मैसेज प्रिंट करता हूँ, प्रिंट। यहाँ पे मैं लिखता हूँ हेलो, और फिर यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ, कॉन्कनेट कर देता हूँ फर्स्ट नेम, और यहाँ पर मैं फिर से एक स्पेस देके उसका जो लास्ट नेम है वो भी यहाँ पे लिख देता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, एक और प्रिंट स्टेटमेंट इसमें ऐड करता हूँ, और इसमें लिखता हूँ डियर, और स्पेस देके से यहाँ पे लिखता हूँ डियर सर वेलकम टू, यहाँ पे कॉमा और दे देता हूँ, डियर सर वेलकम टू प्रोग्रामर मित्र। ओके, मैंने ये लिखा, अभी जब मैं इसको एक बार रन करके दिखाता हूँ आप समझ तो गए होंगे इसका आउटपुट क्या आएगा, लेकिन मैं इसको एक बार कॉल करके दिखाता हूँ। से मैंने लिख दिया अपना नाम आदित्य, यहाँ पे कैपिटल करके पास करता हूँ, और यहाँ पे अपना सरनेम पास कर देता हूँ। जब मैं इसको रन करूँगा देखिए आउटपुट क्या आता है, हेलो आदित्य जैन, डियर सर वेलकम टू प्रोग्रामर मित्रा। अभी मैं क्या करना चाहता हूँ, ये जो सर है ये इसकी जगह मैं मैम पास करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, देखिए मेरे पास एक ऑप्शन है, सबसे पहले मैं यहाँ पर एक टाइटल करके पास कर लेता हूँ, जो भी टाइटल देना है वो मैं उसके अकॉर्डिंग पास कर लेता हूँ। सबसे सिंपल सॉल्यूशन ये है मेरे पास, यहाँ पर मैंने प्लस किया और इस तरीके से ये दे दिया, इस स्ट्रिंग को कॉन्कनेक्ट कर देता हूँ वापस से। तो अभी क्या होगा, मुझे एक और थर्ड आर्ग्यूमेंट है वो इसमें पास करना होगा, मैंने यहाँ पे लिखा सर, तो यहाँ पे सर पास हो जाएगा, ठीक है। तो ये सेम आउटपुट आया। अब कीवर्ड आर्ग्यूमेंट क्या होते हैं, सपोज कीजिए कि मुझे ये नहीं पता कि जिसका भी जो नेम है ये आदित्य जैन ये मेल है या फिर ये फीमेल है, ठीक है। सिस्टम को नहीं पता, नाम से वो पता नहीं लगा सकता कौन मेल है या कौन फीमेल है, तो हम हमारे पास एक ऑप्शन होता है जेंडर का, वो आप जेंडर पास कर सकते हो, उसके अकॉर्डिंग डिसाइड हो जाता है। लेकिन अगर मुझे नहीं पता कि इनका जेंडर क्या है तो मैं क्या करूँगा, अपनी इस स्ट्रिंग को थोड़ा सा इंटेलिजेंट बनाता हूँ, इस मेथड इस फंक्शन को मैं यहाँ पे करता हूँ टाइटल में, इसको बोलते हैं हम कीवर्ड, इसको बोलते हैं हम डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स। डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स मीन्स जो आर्ग्यूमेंट है उनकी वैल्यू हम कुछ डिफ़ॉल्ट भी सेट कर सकते हैं। तो इसकी जगह मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ सर स्लैश मैम। तो अब इस केस में जब मैं यहाँ पर इसी को वापस से रन करके देखता हूँ, देखा आउटपुट क्या आता है, आप देखेंगे आउटपुट में कुछ भी चेंज नहीं हुआ। यहाँ पर अगर मैं सर की जगह मैम लिख देता हूँ तो आउटपुट क्या आया, डियर मैम, ठीक है, इसमें कुछ भी चेंज नहीं हुआ। लेकिन अगर मुझे नहीं पता है कि इनका जेंडर क्या है इस नाम का, और उस केस में मैं क्या पास नहीं कर सकता कि वो सर हैं या मैम हैं, तो उस केस में मैं चाहता हूँ सर या मैम कुछ प्रिंट हो जाए, तो मैं इस टाइटल की डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे सकता हूँ। जब मैं इसको रन करूँगा तो आप देखिए यहाँ पे आता है डियर सर मैम। तो यहाँ पर हुआ क्या है, जब भी आप इस टाइटल की वैल्यू नहीं देंगे तो जो भी आपने डिफ़ॉल्ट दी होगी इस आर्ग्यूमेंट की वैल्यू वो उसको ले लेता है, इसको बोलते हैं हम डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स इन फंक्शंस। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, इसको आप याद रखिए।
अब मैं यहाँ पर एक और चीज़ बताना चाहता हूँ, जो भी डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स होते हैं वो हमेशा फंक्शन के लास्ट में, जो आर्ग्यूमेंट की जो हम कॉमा सेपरेटेड आर्ग्यूमेंट देते हैं वो सबसे लास्ट में ही आते हैं। अगर आप इसको इधर रखना चाहें तो आप नहीं रख सकते। देखिए यहाँ पे एरर आ जाएगा, सबसे पहले तो कंपाइल टाइम ही एरर आएगा, ये बताएगा यहाँ पे। अगर लेकिन आप इसको फिर भी रन करते हैं तो देखिए नॉन डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट फॉलोज डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट। ठीक है, तो नॉन डिफ़ॉल्ट क्या है, ये लास्ट नेम और ये डिफ़ॉल्ट, तो ये अलाउ नहीं है, सिंटैक्स एरर है पाइथन में। तो हमेशा याद रखिए आपके एक से ज़्यादा भी डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं, लेकिन वो सभी कब आएंगे, सारे वो सारे सिर्फ लास्ट में ही आ सकते हैं। मैं यहाँ पे एक और से मैं अगर एज बाय डिफ़ॉल्ट अगर देना चाहूँ 18 तो मैं दे सकता हूँ, लेकिन ये लास्ट में ही आएंगे, सारे के सारे डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स वो लास्ट में ही आते हैं फंक्शन में। ठीक है, एक पॉइंट ये हो गया। मैं यहाँ पे एक चीज़ जो लास्ट ट्यूटोरियल में मैं नहीं बता पाया वो ये, जैसा कि आप देख रहे हो कि फर्स्ट नेम और लास्ट नेम आप इनको इंटरचेंज नहीं कर सकते। मींस आप ऐसा नहीं है कि आप पहले जैन पास कर दें और उसके बाद उनका नाम पास करें। तो यहाँ पर होगा क्या, ये जो जैन है वो फर्स्ट नेम में जाकर बैठ जाएगा और लास्ट नेम जो है वो आदित्य बन जाएगा, क्योंकि गलत हो जाएगा। तो आप हमेशा याद रखिए आप जिस ऑर्डर में आर्ग्यूमेंट्स दे रहे हैं, यहाँ पर डिफाइन किए हैं आपने मेथड में, सॉरी फंक्शन में, उसी तरीके से आपको इसमें भी ध्यान रखना होगा, आप उसी ऑर्डर में पास करें। अगर मैं इसको रन करता हूँ देखिए ये उल्टा हो गया है, हेलो जैन आदित्य, क्योंकि उसका जो फर्स्ट नेम है उसने जैन ले लिया और लास्ट नेम ले लिया उसने आदित्य। तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना होगा, हम उसी ऑर्डर में हमें अपने पैरामीटर्स को, पैरामीटर्स की जो वैल्यू है, आर्ग्यूमेंट्स की वैल्यू है, वो उसी ऑर्डर में देनी होगी जिस ऑर्डर में हमने उस फंक्शन में डिफाइन की है। अब हम समझते हैं कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं। देखिए जब भी आप कोई फंक्शन बनाते हैं उसमें अगर दो या तीन आर्ग्यूमेंट्स पास हो रहे हैं या पांच या दस पास हो रहे हैं, तो आपको हमेशा उनका ऑर्डर को ध्यान रखना होता है कि फर्स्ट नेम है, फर्स्ट नेम ही पास होना चाहिए, लास्ट नेम में लास्ट नेम ही पास होना चाहिए। अगर आपने उस फंक्शन को कॉल करते वक्त अपनी वैल्यू को इंटरचेंज कर दिया तो वो गलत जगह पे जाके असाइन हो जाते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए एक बहुत अच्छी चीज़ आई विच इज़ कॉल्ड कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स। मींस आप अपने जो भी आर्ग्यूमेंट्स हैं उन्हें कीवर्ड के थ्रू भी कॉल कर सकते हैं। देखिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, सबसे पहले एक मेथड बनाता हूँ से मैं किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ और उसमें मैं किसी एम्प्लॉय का डेटा को सेव कर रहा हूँ, एम्प्लॉय डेटा सेव, इस मेथड का मेरा सॉरी इस फंक्शन का मेरा नाम है यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें पास करता हूँ, आर्ग्यूमेंट्स हैं से फर्स्ट नेम और उसके बाद मैं पास करता हूँ लास्ट नेम, उसके बाद मैं उसकी एज पास कर लेता हूँ, उसका जेंडर पास कर लेता हूँ और उसका से एड्रेस, काफ़ी फील्ड हो सकते हैं। अभी के लिए मैं ये 5 रखता हूँ और इसमें मैं क्या करता हूँ, सिंपली कहता हूँ एक प्रिंट स्टेटमेंट करता हूँ, प्रिंट ओके, इस प्रिंट में मैं करता हूँ सेव, मैं सिंपल यहाँ पे लॉजिक लिखूँगा सेव करने का, मैं यहाँ पे प्रिंट कर देता हूँ एम्प्लॉय डेटा सेव्ड। जस्ट हम एक सिंपल सा प्रैक्टिस करके देख रहे हैं तो हमें यहाँ वो कोड लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इस फंक्शन को कॉल करते हैं। इस फंक्शन को कॉल करने के लिए हमें क्या करना होगा, एम्प्लॉय डेटा सेव को कॉल करना होगा। मैं फर्स्ट नेम में पास करता हूँ आदित्य और लास्ट नेम में पास कर देता हूँ जैन, मैं यहाँ पे एज 32 पास कर देता हूँ और उसके बाद जेंडर में मैं मेल पास कर देता हूँ, उसके बाद एड्रेस में मैं सिर्फ बेंगलोर लिख देता हूँ। अब जैसा आप जानते हैं इसका आउटपुट क्या आएगा जब इसको रन करेंगे, सिंपल सा एम्प्लॉय डेटा सेव्ड है ना। अभी मैं इसमें एक और काम करता हूँ, इस डेटा को प्रिंट और कर लेता हूँ जिससे थोड़ा सा मेरे लिए आसान होगा चीज़ों को दिखाना। यहाँ पे मैं सिर्फ दो ही फील्ड को अभी प्रिंट करता हूँ जिसमें एक है से फर्स्ट नेम
मैं आपको जो पॉइंट प्रूफ करना चाहता हूँ बस वो दिखाता हूँ। और यहाँ पे फर्स्ट नेम लिख लेता हूँ और एक और स्टेटमेंट जोड़ देता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ लास्ट नेम, और इस लास्ट नेम में यहाँ पे मैं लास्ट नेम लिख देता हूँ अपने, ठीक है। यहाँ पे जब अब मैं इसको रन करूँगा तो मेरा आउटपुट आएगा एम्प्लॉय डेटा से फर्स्ट नेम आदित्य, लास्ट नेम जैन, ठीक है, ये हो गया। अभी इसमें प्रॉब्लम क्या है, ये जो हमारा फंक्शन है, जब अभी ये फाइव हम देख रहे हैं आर्ग्यूमेंट्स है इसमें, लेकिन कभी कभी जब हम प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं तो एक फंक्शन के अंदर ऑलमोस्ट 15-15, 20-20 आर्ग्यूमेंट्स होते हैं जो हमें उनकी उनको कॉल करना होता है फंक्शन को, और उनमें वो सारे आर्ग्यूमेंट पास करने होते हैं। तो अभी तो ये फंक्शन जो है वो हमारे लिए सीधा ऊपर लिखा हुआ है, हम देख सकते हैं और उनको यहाँ पे लिख सकते हैं, लेकिन जब ये किसी क्लासेस के अंदर होते हैं और मेथड्स बन जाते हैं ये, तब बहुत डिफ़िकल्ट होता है उनके ऑर्डर को मेंटेन करना। कहीं भी गलती से, जैसा मैंने पहले भी बताया था, अगर मैंने इस जैन की जगह इस फर्स्ट नेम की जगह लास्ट नेम डाल दिया और लास्ट नेम की जगह मैंने डाल दिया फर्स्ट नेम, तो देखिए यहाँ पे कोई भी एरर नहीं आएगी, ठीक है, और ये बहुत अच्छे से ये प्रोग्राम रन हो जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए फर्स्ट नेम जैन हो गया, लास्ट नेम आदित्य हो गया, लेकिन जब आप ये कोड करेंगे और यूज़र की यूआई पे कहीं उसका नाम दिखा रहे होंगे तो आप पहले जैन दिखा देंगे फिर आदित्य दिखाएंगे, जो कि गलत होगा, ठीक है। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए पाइथन ने एक बहुत अच्छी चीज़ थी वो दी है कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स, मींस ये जो भी आर्ग्यूमेंट्स हैं आप उनको कीवर्ड के थ्रू कॉल कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर इसी फंक्शन को मैं कॉल करता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ फर्स्ट नेम और इक्वल टू करके अपनी वैल्यू दे देता हूँ आदित्य, ठीक है। इसके बाद मैं कॉमा लगाता हूँ, फिर लिखता हूँ लास्ट नेम और यहाँ पे वापस से वैल्यू दे देता हूँ से जैन, ठीक है। अभी मैं क्या करता हूँ, इसकी जगह लास्ट नेम की अब मैं एज देता हूँ, एज में यहाँ पे मैं सिंपल डायरेक्ट 32 दे देता हूँ, और जेंडर भी इसी तरीके से मैं दे देता हूँ मेल, और यहाँ पर एड्रेस जो है उसकी वैल्यू दे देता हूँ बेंगलोर। अब मैं इसको रन करूँगा तो आप देखेंगे आउटपुट एग्जैक्टली करेक्ट आया। अब देखिए कीवर्ड आर्ग्यूमेंट का फ़ायदा कितना ज़्यादा हुआ। सबसे पहली चीज़, मुझे ये बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि मैंने फर्स्ट नेम में फर्स्ट नेम ही पास किया है कि नहीं। देखिए आप यहाँ पे अब आप खुद समझ आ रहा है, फर्स्ट नेम तो यहाँ पे ये लिखना है, लास्ट नेम तो उसमें वोट लिखना है, आप इंटरचेंज की प्रॉब्लम नहीं होगी। दूसरा मैंने बताया था, आप जिस ऑर्डर में आर्ग्यूमेंट्स यहाँ पे लिख रहे हो आपको उसी ऑर्डर में उनको जब कॉल करते हो तो लिखना होता है, लेकिन अगर आप उस फंक्शन को कीवर्ड आर्ग्यूमेंट की तरह उनकी वैल्यूज़ को पास कर रहे हो तो देखिए आप यहाँ पर लास्ट नेम को अगर पहले भी डाल देते हो फर्स्ट नेम के तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। देखिए अब मैं इसको रन करता हूँ, देखिए फर्स्ट नेम में फिर भी आदित्य ही रहा और लास्ट नेम में जैन ही रहा, लेकिन अगर आप यहाँ देखेंगे जो मैंने डिफाइन किया है उसमें फर्स्ट नेम पहला है, लेकिन उससे फ़र्क नहीं पड़ता, क्यों? क्योंकि मैंने कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स को यूज़ किया है यहाँ पे। तो मैं बोल रहा हूँ ये कहीं भी हो इस पूरी लिस्ट में, ये जो एम्प्लॉई डेटा सेव है इसके आर्ग्यूमेंट जो पूरे हैं इनमें ये कहीं भी हो फर्स्ट नेम, वो आप उसकी वैल्यू आदित्य उसमें डाल दो। तो मुझे ये टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे उसी ऑर्डर को फॉलो करना है, प्लस उसी ऑर्डर के साथ साथ मुझे ये भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि ये वैल्यू है वो सही आर्ग्यूमेंट में बैठी है या नहीं। तो इससे काम काफ़ी आसान हो जाता है। जब भी आप प्रोजेक्ट पे काम करेंगे तो मैं हमेशा प्रेफर करूँगा आप किसी फंक्शन को या मेथड को जब कॉल करें तो कीवर्ड आर्ग्यूमेंट की तरह ही कॉल करें, उससे काफ़ी जो बग होते हैं हमारे प्रोजेक्ट में वो काफ़ी कम हो जाते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट्स और वेरिएबल लेंथ कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स। तो सबसे पहले वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट्स को समझते हैं। देखिए जैसा ही नाम से समझ में आ रहा है, वेरिएबल लेंथ मींस जो आर्ग्यूमेंट की जो लेंथ है वो वेरिएबल होगी, ठीक है। तो अगर आपको कोई एक ऐसा फंक्शन बनाना है जिसमें आपको ये नहीं पता कि इसमें आर्ग्यूमेंट्स हैं वो कितने आएंगे, तो वहाँ पर आप इस तरह का वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं। देखिए मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, डेफिनेशन, मुझे एक बनाना है से एक फंक्शन बनाना है जो
सारे नंबर्स को ऐड करता हो, आप जो जितने भी नंबर्स देंगे उनको ऐड करेगा। तो मैंने उस फंक्शन का नाम दिया ऐड नंबर्स। और इसको बनाने का तरीका बहुत सिंपल है, मुझे इसमें क्या करना होगा, एक एस्ट्रिक्स पास करना होगा और यहाँ पे लिखना होगा नंबर्स, ठीक है। ये नंबर्स जो है वो मेरे आर्गुमेंट का नाम है, लेकिन स्टार का यहाँ पे ये सिंपल सा मीनिंग है, इसकी लेंथ कितनी भी हो सकती है, ये वेरिएबल है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको बनाता हूँ। अब मुझे नंबर्स को ऐड करना है, तो सबसे पहले मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ, सम इक्वल टू ज़ीरो, पहले जीरो सम इनिशियलाइज करता हूँ। और फिर उसके बाद मेरे पास एक सिंपल सॉल्यूशन है, एक लूप लगा लेता हूँ फॉर आइटम इन नंबर्स, ओके। और फिर मैं सम इक्वल टू सम प्लस आइटम, ठीक है। और फिर इसके जस्ट बाद मैं रिटर्न करा दूंगा इस फंक्शन से सम को, ठीक है। तो आप देख सकते हैं मेरा एक फंक्शन बन चुका है। अब इसको कॉल कैसे करना है, देखिए मैं करता हूँ ऐड नंबर्स, और इसमें मैंने पास किया 1, 2, मैंने इसको रन किया तो आउटपुट कुछ नहीं आया, सॉरी एक्चुअली यहाँ से रिटर्न हुआ है, तो मुझे यहाँ प्रिंट लगाना भूल गया, यहाँ पे मैं प्रिंट लगा दूंगा। और प्रिंट लगाने के बाद जब इसको रन करते हैं, देखिए आउटपुट आया 3, 1 और 2 ऐड हो गए। अब देखिए यहाँ पे मैंने सिर्फ एक ही आर्गुमेंट दिया है, लेकिन यहाँ पे मैंने 2 पास किए हैं, मींस ये जो स्टार का मतलब है ये वेरिएबल है, आप जितने चाहें उतने पास कर सकते हैं, आप यहाँ पे पास कर सकते हैं 4, 6, 10 से 1000, आप जितना चाहें उतना यहाँ पे आर्गुमेंट कॉमा लगा लगा कर आप इस फंक्शन में पास कर सकते हैं। जब आप इसको रन करेंगे तो आप ये जो फंक्शन है वो उन सभी नंबर्स का एडिशन करके आपको दे देगा। अब यहाँ पर मैं एक और चीज बताना चाहता हूँ आपको, ये जो फंक्शन है ऐड नंबर्स, ये एक्चुअली हम इसको फॉर लूप लगा रहे हैं। तो जैसा हम समझते हैं, हमने जो लिस्ट पढ़ी थी उसमें ये एक लिस्ट को लूप करने के लिए हम इस तरीके से लूप लिखते थे। तो क्या ये एक लिस्ट आ रही है या फिर एक टपल है, ये क्या है? तो इसके अंदर ये कैसे आता है, अगर आपको ये पता करना है तो आप सिंपल सा, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था, आप इसके अंदर प्रिंट लगा के सिंपल सा टाइप अपना वही इनबिल्ट फंक्शन जो पाइथन ने दिया है, और हम यहाँ पे आर्ग्यूमेंट को सीधा पास कर सकते हैं। तो हमें ये पता पड़ जाएगा इस वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट एक्चुअली किस टाइप का है। आप इसको रन करके देखते हैं, टपल, आप देखिए आउटपुट में क्या आया है, टपल। हमने टपल पढ़ा हुआ है अपने पुराने ट्यूटोरियल्स में, तो ये जो टपल है ये टपल टाइप का आर्ग्यूमेंट बन के आता है, इसीलिए हम इसको आइटरेट कर पाते हैं फॉर लूप के थ्रू। तो आप यहाँ पे जो भी पास कर रहे हो यहाँ पर, ये यहाँ पे आके एक टपल के रूप में आपको यहाँ पे इसमें आर्ग्यूमेंट में मिलता है, ठीक है। तो ये तो हो गया वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने एक और नीचे लिखा था, विच इज़ वेरिएबल लेंथ कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं। देखिए इसके नाम से भी काफ़ी कुछ क्लियर हो रहा है, हमने पढ़ा हुआ है कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं। कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स वो होते हैं जिसमें हम अपनी की को पास करके उसकी वैल्यू को पास कर देते हैं, कीवर्ड के साथ उसको कॉल करते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें अगर मैं कोशिश करूँ तो यहाँ पे मैं कीवर्ड कैसे दूंगा, मैं दे ही नहीं सकता। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, एक नया एग्जांपल लेता हूँ और डेफिनेशन बनाता हूँ, डेफिनेशन मतलब एक डिफाइन करता हूँ अपने फंक्शन को, और से सेव डेटा, ठीक है। और इसमें मुझे अगर वेरिएबल लेंथ कीवर्ड आर्ग्यूमेंट बनाना है तो उसके लिए मुझे बनाना होता, यहाँ पर लिखना होता है 2 स्टार, ठीक है। और उसके बाद जो भी डेटा है, डेटा इज़ आर्ग्यूमेंट नेम, यहाँ पे मैंने डेटा दिया हुआ है, ठीक है। और फिर इसको हम यूज़ कैसे करते हैं हमें वो समझना होगा। देखिए ये जो डेटा है, अब आप इसमें की वर्ड, मैंने बोला की वर्ड आर्ग्यूमेंट मीन्स आप जो पास करेंगे वो आप की के साथ भी पास कर सकते हो। अब यहाँ पर मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, से फॉर की कॉमा वेल इन डेटा डॉट आइटम्स, ठीक है। और अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक प्रिंट स्टेटमेंट लगाता हूँ, प्रिंट जो की है
ओके, तो मैं यहाँ पे सबसे पहले उस की को प्रिंट करूँगा, की, और उसके साथ की को प्रिंट करने के बाद मैं उसकी जो वैल्यू है वो भी यहाँ पे प्रिंट करना चाहता हूँ, वैल्यू एंड प्लस वैल्यू। यहाँ पर मैंने क्या किया, की वैल्यू एंड यहाँ पर वैल्यू ली, और इस सॉरी इट्स नॉट वैल्यू इट्स अ वैल, ठीक है। तो ये मेरा फंक्शन बनके तैयार हो गया। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसको कॉल कैसे करना है। सेव डेटा, यहाँ पर मैं कुछ भी दे सकता हूँ, कीवर्ड भी अब मेरे हाथ में है कि मुझे क्या कीवर्ड देने हैं। देखिए मैं यहाँ पे देता हूँ से फर्स्ट नेम, यहाँ पर मैंने दिया आदित्य, और यहाँ पे मैं देता हूँ लास्ट नेम, ये मैं दे देता हूँ जैन, और यहाँ पर मैं एक आर्ग्यूमेंट देता हूँ से जेंडर, और इस जेंडर में मैंने पास कर दिया मेल, ठीक है। ये मेरा फंक्शन बन गया है और मैं इसको अब कॉल करता हूँ। देखिए क्या आया आउटपुट, की आई है मेरी फर्स्ट नेम और वैल्यू आई है आदित्य, की आई है लास्ट नेम, वैल्यू है उसकी जेन, की है जेंडर, उसकी वैल्यू है मेल। तो अब मैं यहाँ पे कॉमा लगा लगा कर मैं जितने चाहूँ उतने आर्ग्यूमेंट इसमें पास कर सकता हूँ। तो शायद आपको अब इस पूरी लाइन का मतलब समझ में आ गया होगा जो मैंने लिखा था, वेरिएबल लेंथ क्यों, क्योंकि मैं कितने भी आर्ग्यूमेंट पास कर सकता हूँ, कीवर्ड आर्ग्यूमेंट, कीवर्ड क्यों, क्योंकि मैं की के साथ इसको वैल्यू को पास कर रहा हूँ, इसलिए कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स है। तो इस तरीके से हम पाइथन में वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट्स एंड वेरिएबल लेंथ कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स फंक्शंस बना सकते हैं। अब डिस्कस करते हैं एनोनोमस फंक्शन के बारे में। एनोनोमस का मीनिंग क्या होता है? एनोनोमस का सिंपल सा मीनिंग होता है जिसका कोई नाम ना हो। मींस हम एक ऐसे फंक्शंस बनाने वाले हैं जिनका हम कोई नाम नहीं देंगे। अभी तक हमने पाइथन में जो भी फंक्शन देखे हर फंक्शन का हम एक नाम देते थे, लेकिन अब इन ये जो एनोनोमस फंक्शन होते हैं इनका कोई नाम नहीं होता, और इनको हम लैम्डा फंक्शंस भी बोलते हैं। और जो एनोनोमस फंक्शन बनते हैं उसमें कीवर्ड यूज़ होता है लैम्डा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको एक एग्जांपल देने से पहले मैं आपसे कहता हूँ, अगर मैं आपसे बोलता हूँ आपको एक फंक्शन बनाना है पाइथन में जो नेम्ड फंक्शन हो, और आपको उसमें सिंपल सा करना यह है, एक वेरिएबल जो भी मैं नंबर दूंगा आपको उसका स्क्वायर रूट निकाल के देना है। तो आप कैसे बनाओगे, आप कर लिखोगे डेफ, और आप यहाँ पर के लिख सकते हो उसका अपने फंक्शन का नेम नम SQRT स्क्वायर रूट, और आपका जो भी नंबर होगा आप यहाँ पे पास करके एज एन आर्ग्यूमेंट, और उसका स्क्वायर रूट निकालने के लिए मुझे क्या करना होगा, सिंपल सा नम मल्टीप्लाइड बाई नम, ओके। तो इस तरीके से ये रन होगा। हम इसको कॉल करके एक बार देख लेते हैं, जब हम इसको कॉल कैसे करेंगे, प्रिंट, यहाँ पे मुझे लिखना है नम SQRT, मैं यहाँ पे 2 पास करता हूँ, और जब इसको रन करूँगा तो आउटपुट आ गया 4, ठीक है। लेकिन अब इसी को अगर मुझे एक एनोनोमस फंक्शन बनाना हो तो कैसे बनाऊँगा? तो एनोनोमस फंक्शन बनाने के लिए बहुत ही सिंपल है, आपको क्या करना है, आपको निकलना है लैम्डा, और लैम्डा लिखने के बाद आपका जो भी आर्ग्यूमेंट है से यहाँ पे मैंने लिया नम, ठीक है, और उसके बाद मुझे लगाना होता है कोलन, फिर नम मल्टीप्लाइड बाई नम। तो आप देखेंगे इसमें जो कुछ भी हुआ वो एक ही लाइन में फिनिश हो गया, ठीक है। और इस तरीके से हम इसको बना सकते हैं, लेकिन हमें इसकी वैल्यू को कहीं होल्ड करना होगा, SQRT, हम इसकी वैल्यू को होल्ड कर लेते हैं स्क्वायर रूट, और इस तरीके से हम इसको अब देखिए मैं इसको रन करता हूँ, तो इसको रन के लिए प्रिंट लिखना होगा मुझे, और लिखना होगा SQRT, और जैसे हम फंक्शन कॉल करते हैं उस तरीके से हमें यहाँ पे वैल्यू पास कर देनी होगी। इसे मैं यहाँ पे 3 पास करता हूँ और रन करता हूँ, तो अब देखिए यहाँ पे आउटपुट आ गया 9। इसने भी सेम ही काम किया, यहाँ पे हमने ये जो बनाया अपने सिंपल तरीके से, और ये लैम्डा फंक्शन, इनको बोलते हैं हम लैम्डा फंक्शंस भी बोलते हैं, ठीक है। तो हम इसको बना सकते हैं। अब
यहाँ पर आपको ये डाउट हो सकता है कि मुझे ये आर्गुमेंट्स है एक्चुअली, अगर मुझे एक से ज़्यादा आर्गुमेंट पास करने हैं तो मैं कैसे करूँगा। उसके लिए भी से मैं एक क्यूब करके एक बना लेता हूँ, एक वेरिएबल और लैम्डा फंक्शन बना के दिखाता हूँ आपको उसका। तो क्यूब के लिए, सॉरी नॉट नॉट क्यूब, मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देता हूँ 2 नंबर को, मल्टीप्लाई वैल्यू। ओके, तो उसके लिए मुझे 2 चाहिए ना, इसके लिए एक्स कॉमा वाई, और फिर मैं कोलन लगा दूंगा और एक्स मल्टीप्लाइड बाई वाई। तो आपको जितने भी आर्गुमेंट पास करने हैं इस लैम्डा फंक्शन में, आप इस तरीके से कर सकते हो। जब आप इसको रन करोगे तो वैल्यू आएगी एस सर्वी मल्टीप्लीकेशन के लिए, यहाँ पे वैल्यू मैं पास कर देता हूँ 2,3। जब इसको रन करेंगे तो वैल्यू आएगी 6, 3 एंड 2। ओके, तो इसको बोलते हैं हम लैम्डा फंक्शन। लेकिन शायद आपको अभी ये कन्फ्यूज़न हो रहा होगा, ये यहाँ भी तो आप एक नाम दे रहे हो तो ये एनोनिमस कैसे हुआ। ये हमने एक वैल्यू को होल्ड किया है इसके अंदर, ठीक है, ये उसके लिए है। मैं आपको एक और तरीका दिखाता हूँ, उससे आपको क्लियर हो जाएगा, जहाँ पे हम लैम्डा फंक्शन का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एक नंबर्स की लिस्ट बना लेता हूँ, नॉट नंबर से एज। मेरे पास एक लिस्ट है जिसमें एम्प्लॉयज़ की, या फिर कहें किसी की, जो भी उनकी एज है उसकी लिस्ट है। एक की है 12 साल, एक की 15 साल, एक की है से 23 ईयर्स ओल्ड, एक है 34 ईयर्स ओल्ड, एक 32 ईयर्स ओल्ड, और कोई है 7 ईयर्स ओल्ड। ठीक है, ये मेरे पास डिफरेंट एक लिस्ट है जिसमें सभी की एजेस हैं। अब मुझे करना क्या चाह रहा हूँ मैं, मुझे एक ऐसी लिस्ट चाहिए इसमें से जिसकी जो भी एडल्ट हो, इसमें एडल्ट की लिस्ट चाहिए, जो भी 18 साल से बड़ा हो वो सारी एजेस की लिस्ट मेरे पास आ जाए। तो उसके लिए मैं लैम्डा फंक्शन का यूज़ आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं लिखता हूँ लिस्ट, ठीक है, उसके बाद एक इनबिल्ट फंक्शन होता है से फिल्टर पाइथन का, और इस इनबिल्ट फंक्शन में क्या करता हूँ, एक लैम्डा फंक्शन बनाता हूँ लैम्डा, और यहाँ पर मैं पास करता हूँ एजेस, एज मेरा आर्ग्यूमेंट है, और मैं फिर उसमें पास करता हूँ एज ग्रेटर देन 18, ठीक है, और दूसरा कॉमा पास करता हूँ मैं अपनी लिस्ट यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, ये जो फिल्टर फंक्शन है वो क्या करेगा, ये जो एजेस उसने मेरी जो लिस्ट है वो आर्ग्यूमेंट लिया है, और ये लैम्डा फंक्शन उसमें यहाँ पर ही एग्जीक्यूट हो जाएगा, मुझे अलग से बनाने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं अपना बनाता वो पुराने तरीके से, सिंपल तरीके से, तो मुझे एक छोटे सा ये चेक लगाने के लिए मैं एक मेथड को कॉल करता, फिर उसका रिस्पॉन्स आता, रिटर्न होता, और फिर ये फिल्टर होता। हो वैसे भी जाता, लेकिन मैं यहाँ पे लैम्डा फंक्शन से सिर्फ एक लाइन में ही कर सकता हूँ। जब मैं इसको रन करता हूँ तो देखिए आउटपुट क्या आता है, 23, 34, 32, इस लिस्ट में जो भी एडल्ट थे सिर्फ उन्हीं की लिस्ट मुझे मिल गई है। तो ये एक तरीका है, आप इस तरीके से लैम्डा फंक्शन को भी यूज़ कर सकते हो।